कैरिंग पीडीसी एंट्रीज टू न्यू फाइनेंशियल ईयर। न्यू फाइनेंशियल ईयर बनाने के बाद पुराने साल में कुछ एंट्रीज होती हैं जो नए साल में कैरी फॉरवर्ड करनी होती हैं, जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक्स यानी कि पीडीसी एंट्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीडीसी एंट्रीज को नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे कैरी करें और उन्हें रेगुलराइज करें। इसके लिए नए फाइनेंशियल ईयर जिसमें पीडीसी एंट्रीज को कैरी फॉरवर्ड और रेगुलराइज करना है, बिजी में ओपन करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन मिसलेनियस डेटा एंट्री रेगुलराइज पीडीसी पे क्लिक करें। अब यहाँ देखें कि एक मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ है जो पूछ रहा है कि क्या आप पुराने साल में डाले गए पीडीसी वाउचर्स को करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे यस क्लिक करें। अब ये विंडो अपीयर हुई जिसमें पीडीसी वाउचर्स की डिटेल्स दिख रही हैं, यानी कि कितने रिसिप्ट और कितने पेमेंट वाउचर्स हैं जो पीडीसी के हैं और कैरी फॉरवर्ड होंगे। सेव पे क्लिक करें। अब फिर से एक मैसेज बॉक्स पॉपअप हुआ, पीडीसी डिटेल्स एक बैंक की देखनी है या फिर सभी बैंक की। यहाँ पे हम वन बैंक सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बैंक का नेम स्पेसिफाई करें, स्टार्ट डेट और एंड डेट डालें एंड ओके। अब यहाँ वाउचर सेलेक्ट करें। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। और अब रेगुलराइज बटन पे क्लिक करें। यहाँ देखें वाउचर्स रेगुलराइज सक्सेसफुली। अब अगर देखें ट्रांजेक्शंस पेमेंट और ये देखिए वाउचर टाइप रेगुलर सेट हो गया। तो देखा ना आपने कितना आसान है बिजी में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी एंट्री को न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।